किसी एक्स गर्लफ्रेंड को अभी कॉल करो और ये बताओ कि आपकी शादी हो रही है। और जस्ट कॉल पलक। मैं तो तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि पलक की तबीयत ठीक नहीं है। I've heard she's not well and she's very serious. What? मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। फोन काट दिया? सेतु भी रोहित को लेकर इतनी टेंस्ड है ना, और ये पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक ही बंदा हेल्प कर सकता है, वह ऋत्विक नून। पर उसको अभी भी ना अपने एल्बम में रहना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। पर सेतु के लिए मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अरे मंजीत आंटी, ओए पूरे पुत्तर, वाह भाई वाह, पुत्तर कैसी है, सब चंगा ना? अच्छा। ओ पुत्तर की करा, एने काम में ना बिजी हो गई सी, तेनू मिलना भी नहीं होया। ओ पुत्तर, तो पलकू ने बताया ना कि वो ऋत्विक और अन्यना की शादी का कार्ड कैसे बनाना है? अरे आंटी जी, वो तो बता भी दिया और बना भी दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। पुत्र एक और कार्ड डिजाइन करना है, रोहित और सेतु की शादी। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है। कॉफी तो खत्म कर लीजिए ना। हाँ यार, सर भी बड़ा दर्द है। हाँ हाँ ठीक है बच्चे। ओ मेरे मोबाइल, बच्चों बंद करो, सो जाओ, फ्रेश नहीं लगोगे, कल संगीत है घर में बेटा, बंद। मम्मा लास्ट गेम है। नहीं नहीं चल चल, हाँ सो जा सो जा। गुड नाइट। ये मेरा बच्चा सो गया। रीवा बेटा जा कमरे में जाकर सो जा। उठो 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 उठो। आप 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 आप। तारी ये ऋषभ और साची देखो कैसे रोमांटिक लगे रहे हैं। ने अपने आप को भूल जाते एक दूसरे में, मगर इसका कुछ नतीजा ही नहीं निकलता। मतलब बच्चा? और क्या, 3-4 साल हो गए शादी को, अभी तक कुछ नहीं। अरे आजकल का जेनरेशन है ना, इन्हें बच्चा पैदा करने से ज्यादा और जरूरी काम होता है खुद की जिंदगी जीना, ये वो कर रहे हैं। तारी हमारे जमाने की औरतों को कूटी से बांध के रखते थे, ना कुछ कहीं जाना ना कहीं आना। अरे इस जमाने में पैदा होना था, वो निकी निकी कपड़े पहन के खूब मजे लेते थे हम, है ना? मॉम ये देखो शिवम ने क्या किया। क्या मतलब कपकेक्स पे शेविंग फोम लगा दिया इसने। शेविंग फोम रियली शिवम? आपने तो बोला था इसको कपकेक खाने से रोको। शिवम मैड, इसने खाया। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बोलो जाओ। वी केयर अबाउट थिंग्स ऋत्विक, यहां पे तू अनन्या से शादी कर रहा है, वहां पे पलक मुंबई जा रही है। पलक मुंबई जा रही है? ऑफ कोर्स, उसकी फेलोशिप है वहां पे, और मैंने सुना है कि उसके बाद वो वहीं सेटल हो जाएगी। बट उसने बताया होगा ना तुझे ये बात? क्यों बताएगी, पर जिसने जो करना होता तो उसने करना ही होता ना। अच्छा मुंबई जा रही है, मैं भी क्या क्या सोच रहा था। तो कहाँ चले गए थे तुम? मिस्टर मिस पूरी अभी निकले हैं, ऐसी बस बाहर गए थे। भाई अभी तो स्पॉइल स्पोर्ट के बनके खड़े थे आज, अनन्या को कितना बुरा लगा होगा, ऐसे क्यों उठ के चले गए? रीवा ऋत्विक और अनन्या बच्चे नहीं है, उन्हें अपना रिलेशनशिप खुद हैंडल करने दो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, गो गो एंड स्लीप, बाथरूम में जाकर ब्रश किया करो, जाओ। अमन तुम भी जाओ आराम करो। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। ऋत्विक, मैं जानती हूँ अनन्या बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है और तुम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, पर किसी भी रिलेशनशिप को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जाओ आराम करो। मुझे अनन्या से बात करनी होगी। I have to tell her कि मैंने पलक को किस किया है। मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकता। Hey. Hi. सुन ना, बात करनी है तुझसे। जरूरी। तेरे घर आऊँ? Hey, everything okay? Yeah. All okay. But जरूरी बात है। एक काम कर, तू मत आ, मैं आ जाती हूँ। वो डिजाइनर वहीं पे आने वाली है, मुझे मेजरमेंट भी देना है और मैं तुझसे बात भी कर लूंगी। ओके कूल, आई वेट फॉर यू। आई सी यू देयर। बाय। देखिए आराम कर लो। नहीं मम, वो अनन्या आ रही है, उससे कुछ बात करनी है जरूरी। नीड टू स्पेंड टाइम विद हर। रोहित पूरा दिन निकल गया, सब ठीक तो है? कुछ नहीं मॉम, आईटी वाले रेगुलर पूछताछ कर रहे थे, सेतु को बताने का टाइम भी नहीं मिला, वो वेट कर रही थी मेरा। ऊपर से उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया और फोन बंद हो गया। अरे
और पहनो ज्वेलरी, आईटी वालों की नजर रहती है हम पे। एक्सक्यूज मी ब्रो, घर पे दो दो शादियां हैं, मॉम हैज टू लुक परफेक्ट। माय गॉड, सो प्रीटी। एनीवे, अच्छा तेरा नहीं आईटी वाले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना, वरना फिर तो कोई और ही लेता सेटू के साथ। वैसे तो बोला क्या जतिन यार, ये तेरी शादी आज के लिए इतना काफी था, कल संगीत है, देखते हैं क्या होता है। जाए मेरे कमरे में, दो कॉफी भेजना आधे घंटे में, ठीक है? ओ दो कॉफी उतर, रात को सोते वक्त एक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो दो कॉफी का क्या करेगा? अनन्या आ रही है, जरूरी बात करनी है। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद हर, दैट्स व्हाई। या या ऑफ कोर्स, यस, कनेक्टेड। तुसी वेख्या ममता जी, मैं कह रहा सी ना, जिंदगी में जब अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता ना, सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। विकी अनन्या के साथ वक्त बिताना चाहता है, दो कॉफी मांगी है, दो। आई लव ऑल आवर किड्स, मुझे अपने बच्चे जान से भी ज्यादा प्यारे, शिवम, शनाया, ऋषभ, विवा। लेकिन जब विकी की बात आती है ना तो आई नो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं जब विकी को देखता ना तो मेरे को वो छोटा बच्चा याद आता है जो अपनी माँ को रोकता रहा और वो रुकी नहीं, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं थे, मैं गरीब थी, छड़ के चले गए और गहरी चोट लगी है उसे। अब अपने खोते ऋषभ को ही देख लो, शादी हो गई, कल बच्चे होंगे, बाप बनेगा, सेटल हो गया लाइफ। लेकिन ये विकी के लिए हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि क्या वो जिंदगी में सच्चा प्यार कर पाएगा। विजय जी, जिंदगी में हर एक को एक ना एक बार सच्चा प्यार होता ही। आप खुद को देख लीजिए, आपने अपना प्यार खोया, फिर डेस्टिनी, डेस्टिनी अपना काम करती ही है। आप देखना, ऋत्विक को भी सच्चा प्यार हो ही जाएगा। उस दिन ममता जी मैं भांगड़ा करूंगा और ढोल नगाड़े बजाऊंगा। बहुत बुरे डांसर हो ममता। What's up, soon to be married man? सब सही है? देख, because if you have jitters, it's pretty normal. यार, शादी से पहले हर लड़के की यही हालत होती है, मेरी फटी पड़ी थी। You have no idea how scared I was. Really? Dude, तू ज़्यादा टेंशन में लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख भाइयों तेरा, हाँ तो बोल सकता है मुझे। चल ठीक है, मैं तुझे अपने और साची के बारे में बताता हूँ। सो शादी के कुछ देर पहले वी बोथ वर स्केर्ड, हम दोनों काउंसलर के पास गए। आप दोनों काउंसलर के पास जाने की क्या जरूरत थी, घर पे तो सब थे ना? थे, पर उस वक्त नहीं थे। मॉम एंड डैड वर विद यू। अबे तेरी कॉन्वोकेशन थी याद है लंदन में, जब तक वो वापस आए तब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। भाई आप हमारी फैमिली के एंकर हो ना, इसलिए सब संभाल लेते हो। यू डाइग्रेसिंग, मेरी बात नहीं हो रही है, मैं तुझसे तेरी बात कर रहा हूँ, तेरी और अनन्या की। देख तुम दोनों ना बहुत प्रैक्टिकल एंड इट्स परफेक्ट फॉर बिजनेस, लेकिन शादी ना कुछ अलग ही ट्विस्टेड मामला है, इमोशंस इन्वॉल्व्ड है उसमें। एक पॉइंट आएगा शादी के बाद, पूरी दुनिया एक तरफ, तुम दोनों एक तरफ, यू गाइस विल बी ईच अदर्स प्रायोरिटी, जस्ट रिमेंबर दैट। मैं समझ रहा हूँ भाई आप क्या बोल रहे, इसीलिए मैंने अनन्या को बुलाया यहाँ और टॉक टू हर, स्पेंड टाइम विद हर। टॉक टू हर एंड स्पेंड सम टाइम विद हर। वाह रीवा, कितना अच्छा ब्लॉग है तुम्हारा। आई मीन तुम कितना अच्छा लिखती हो, रिलेशंस और फैमिली को लेकर कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है तुम्हारा। ऑफ कोर्स आई, हाँ थोड़े बहुत पंचुएशंस के मिस्टेक्स हैं, बट इट्स स्टिल नाइस। आई थिंक तुम आगे जाके इसके ऊपर बुक भी लिख सकती हो। बुक? That's not a bad idea, है ना? बस अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड देखो क्या मजा आता है। और मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं? स्ट्रेंथ्स तुम्हारे ऐसे हैं कि बचपन से जो तुम्हारा खबरी वाला नेचर है ना, मेरा मतलब है तुम्हें हमेशा सबके बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे स्कूल में कौन सी लड़की प्रेग्नेंट हो गई, या किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, या कौन सी लड़की के आज पीरियड्स नहीं आए, या घर पे ही देख लो दादी ने आज स्वीट खा ली, या आज पापा जी ने स्मोक कर लिया, यू नो व्हाट आई मीन। ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं
मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा गॉसिपी नेचर है ना, इसके फायदे देखो। इसके फायदे ये है कि ह्यूमन नेचर के ऊपर तुम्हें कितना अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है, तुम्हें पता होता है लोगों के बारे में, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ वेरी वेरी फाइन राइटर। वाओ डूड, तुम तो मतलब एक मर्डर को भी लीगल साउंड करवा दो। क्या कन्विंस करते हो, वाह। चल मैं काम पे लगती हूँ अब। बाय बाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वेल, क्योंकि तुम ना मुझे हमेशा अच्छा फील कराते हो, जैसे मुझ में कुछ करने का पोटेंशियल है। पता क्या है, ये ऋषभ भाई और रिक्की भाई ना इतने सक्सेसफुल हैं, उनकी इतनी अचीवमेंट्स है कि समटाइम्स आई जस्ट फील अ लिटिल डाउन। डोंट से दैट। पागल हो गए तुम ये, मुझे डेटिंग होना तुम दोनों। छोड़ो छोड़ो। अरे मस्ती खोर बच्चों, ये क्या किया तुमने यार? सॉरी पलक दी। दी, मैं आपको वॉशरूम लेके चलता हूँ, यू कैन क्लीन इट देयर। तू जा अंदर, मैं आई विल टेक केयर ऑफ दिस। गो 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 गो, आई एम सॉरी। गो इनसाइड। सॉरी दी, आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी ऑन देयर बिहाफ। यू नो व्हाट, वॉशरूम ना आगे वहां पे लेफ्ट साइड पे ही है। वो एक्चुअली मुझे ऋतिक से बहुत अर्जेंटली कुछ बात करनी थी, तो आई विल जस्ट यूज द वॉशरूम एंड वो घर पे ही है ना। अनन्या अभी आ रही है और ऋत्विक को उससे कुछ बात करनी। पर पलक यहाँ क्या कर रही है, वो यहाँ आई क्यों है, क्या हो क्या रहा है यहाँ? वॉशरूम कहाँ पे है? मैम इस वाले में थोड़ा काम चल रहा है, आप वो ऊपर लाइब्रेरी में चले जाइए। ठीक है, थैंक यू। अरे यार ये अनन्या ऋत्विक पलक, कुछ और ड्रामा ना हो बस। अमन पुत्र जी, मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई, जरा फिर से ठीक कर देना। हाँ श्योर दादी, सिखा दे मुझे। हाँ दादी, ये बटन प्रेस करके ना, ये एंटर दबाया तो ये। Thank you. Thank you. Welcome. Yeah, Ananya. Ricky, where are you? I'm here. I'll be at the library. Cool, I'm coming. सुन। ड्यू टू डिजाइनर ने इतने अच्छे कपड़े भेजे तेरे लिए, तू देखेगी तो पागल हो जाएगी। आई हैव टू मीट ऋतिक। बाद में मिलूंगा, 5 मिनट लगेंगे। सच्ची बोल रही तेरे को। जी वो मैं ड्यू रानी थे। तुम वॉशरूम में हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली अच्छा ही है कि तुम अंदर हो, आई डोंट वांट टू फेस यू। तुम्हारा रिएक्शन नहीं देखना चाहता मैं। हमारे बीच में हमेशा से यही रहा है कि हम एक दूसरे से सच बोलते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। सो आई किस्ड पलक। We kissed each other. Ananya, I know कि तुम्हारे लिए बहुत awkward होगा, but तुमने मुझसे एक expectation रखी थी कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊँ। That's all you asked. So here it is. We kissed each other. I'm sure कि अब तुम यू माइट वांट टू गिव मी अ टाइट स्लैप एंड यू शुड, बट इट मेंट नथिंग। बहुत कुछ हो रहा था, किडनैपिंग, गुंडे, आई थिंक इट्स जस्ट हैपेंड इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कोई मायने नहीं रखते उस किस के मेरे लिए। It meant nothing.
रियली गुड. मुझे तो यही जानना था. आई एम सो रिलीव्ड ऋत्विक. तुम्हारे साथ का दोस्ती ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स मुझे फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें लगा वो सब मेरे लिए सीरियस था? इनफैक्ट मैं तो तुमसे बात करना चाहती थी जो भी हुआ, पर टाइम नहीं मिला ना. हम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हमारे बीच कुछ है, पर ऐसा तो नहीं था ना. पहले वैसे भी तुम तो शादी कर रहे हो ना. I'm glad you're so honest to Ananya. बहुत लकी है वो. It meant nothing to you ना. जो हुआ वो सब का कोई मतलब नहीं था. ना तुम्हें कुछ फर्क पड़ा, ना मुझे कुछ फर्क पड़ा. तो क्या जरूरत है अनन्या को बताने की? रात गई बात गई है ना. ग्रेट, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. मुझे तो वैसे भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं. जब कोई मायने नहीं इस बात के तो अनन्या को क्यों ट्रबल करना, राइट? या रिकी कहाँ है तू? वो रीवा ने मुझे नीचे रोक लिया था. तुम लोग अभी मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? हाँ, वो सेतु रोहित को लेकर इतनी टेंस्ड है. रोहित फोन ही नहीं उठा रहा है. अरे ही इज फाइन नाउ. वो घर पे है, पूरे दिन वो आईटी वालों के साथ बात कर रहा है. थैंक गॉड, मुझे यही पता करना था. सेतु को कह दो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. रोहित कह रहा था ये कोई रूटीन प्रोसेस है, ये तो चलता ही रहेगा. अच्छा एक सेकंड ऋत्विक, तुझे ये बात करनी थी मेरे साथ? हाँ. आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया. सेतु के लिए सो इट्स फाइन. नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी थी तुमसे. तुम मेरी होने वाली पत्नी हो. You're gonna be my wife. I'm sure I have a lot more to talk to her. Apart from Rohit and Setu. बहुत सारी बातें करनी है यार. We have to plan so much. Yes, happy realization. Very happy realization. Carry on, guys. तो क्या बात करनी है? चल चलो.
तुम ठीक हो? Yeah, I'm fine actually. ऋत्विक से बात हुई? हाँ, हुई ना बात. अब हो गई बात. मैं एक्चुअली चलती हूँ. पलक? अमन? जी. पलक क्यों आई थी? मम्मी जी, वो पलक क्योंकि वो उसकी मम्मी को ना संगीत के बारे में कुछ पूछना था. क्या? वो असल में पलक का आइडिया था कि संगीत में कुछ स्किट वगैरह करते हैं, बट मैंने बोला कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. तो कितना अच्छा आइडिया है, पूछ तो लेना चाहिए था, बहुत टाइम है हमारे पास. वो तो चली गई अभी. कोई बात नहीं, तो तू कल सुबह मुझे मंजीत जी के यहाँ ले जा, ठीक है? हाँ, पर कोई ना कोई ना. सीरियसली रिकी, तूने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तुझे इस रूम को डेकोरेट करना है, वो भी मेरे हिसाब से. You know, you are funny sometimes. Like seriously? You're gonna be a part of this family. Mm-hmm. मेरा फर्ज बनता ना तुम्हें कंफर्टेबल करना. कंफर्ट. तुझे पता है ना कि मैं इस घर पे पली बड़ी हूँ, हाँ? और सुन, शादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे को बदल दें. इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे हैं एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट कर लें, राइट? पलक से मैटर सॉर्ट हो? मैटर वहाँ सॉर्ट होता है ना, पर खुश था. आई एम सो हैप्पी. पता है, ये सारा आइडिया पलक का था. आई एम सो ग्लैड वी डिड इट.